मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सरिता उत्तराखंड से और आप सभी का अपना चैनल सरिता जौनसारी ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी सी धूप आ गई है यहाँ पे। हमारे घर पे ऐसे कम ही धूप लगती है। और देखिए मैं आज आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ और यहाँ पे बिल्कुल कम धूप आ रखी है हमारे घर पे। देखिए बिल्कुल कम धूप है और छत पे तो आ गई है। तो जैसे मुझे कुछ भी काम करना होता है तो मैं छत पे ही बैठ जाती हूँ और ज़्यादातर हमें छत पे बैठना पड़ता है आजकल, क्योंकि धूप काफ़ी कम आती है हमारे घर के पास। और ये देखिए छत पे तो अच्छी आ रखी है धूप ना, और घर के आगे बिल्कुल बहुत कम धूप आती है। तो दिसंबर जनवरी में ऐसा होता है, उसके बाद आ जाती है। और आज मिस्टर चौहान जी मार्केट गए थे कर्णप्रिया, कुछ काम था उनको, तो अभी पहुंच गए घर पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले खाना निकाल रही हूँ। तो खाने में आज मैंने कढ़ी चावल बनाई है, सिंपल से कढ़ी चावल। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का, तो अभी पहुँची हूँ मार्केट से। तो मैंने कहा सबसे पहले अब खाना खा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए भी ले लिया है खाना, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे खाना खा लेंगे। और आप भी आ जाइए फ्रेंड्स खाना खाने, आज सिंपल से कढ़ी चावल बने हुए। अब देखते कैसा है। ये हमारे को जो है 2 ईयर की वारंटी दे रहे हैं। 2 ईयर वारंटी है, बजाज का है, बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड इंस्पायरिंग ट्रस्ट, 2 ईयर वारंटी, बजाज ब्लो हॉट रूम हीटर। एम आर पी उसकी 2999 रुपये है, और ये पड़ा हमारे को जो है 2500 में। अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। लुकिंग तो इसकी बढ़िया है, अब इसका हीटिंग सिस्टम कैसा है अब ये तो यूज करके पता चलेगा कि कैसा है। और इसकी रॉड है, हम देखते हैं कैसे ठंडा करता है, गर्म करता है। हॉट एंड कोल्ड है, ठंडी हवा फेंकेगा और गर्म भी। इसको आप जो है गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं ठंडी हवा फेंकने के लिए। और आजकल यहाँ जो चिल्ड सर्दी है तो इसमें भी देखते हैं इसका केबल कितना लंबा है। केबल छोटा है इसका, ओहो केबल इसका छोटा है। देखिए इसकी बढ़िया है, देखते हैं क्या होता है। महंगा बहुत है, भारी भी है। अब जो करता है ये तो अब समय बताएगा। प्लग भी इसका हैवी है, काफी हैवी है। अभी हम इसको लगा रहे हैं और देखते हैं अब क्या होता है। बाजार में नहीं मिला, जिस कारण में जो है नया ही लेना पड़ा। ये भी बढ़िया था, अभी 10 साल से हम जो है इससे काम चला रहे थे, बहुत बढ़िया हीटर था ये। लेकिन इसका ऑटो कट सिस्टम ना मिलने के कारण हमें यहाँ लेना पड़ा। अभी इसको बंद कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने काफ़ी सारी सब्जियां मंगा ली थी मार्केट से। तो यहाँ पे मैंने राई वगैरह मंगा ली थी और पालक वगैरह और गाजर, चुकंदर और मटर, शिमला मिर्च वगैरह,
तो काफ़ी सारी सब्जियां मैंने मंगा ली थी, तो मैं इनको सबको एक टप में रख रही हूँ पहले। तो मैं इनको सबसे पहले छांट लूँगी और ये पहले मैं खाली कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इन सबको छांट लूँगी अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पे गाजर वगैरह मंगा रखी है, चुकंदर वगैरह, तो क्योंकि चुकंदर तो यहाँ नहीं मिलता, गाजर वगैरह तो मिल जाती है, तो हस्बैंड मार्केट गए थे तो मैंने उनसे ही मंगा ली थी। और यहाँ पे थोड़े से मैंने चावल भी मंगा लेते, और यहाँ पे एक मिश्री का पैकेट मंगाया था मैंने उनसे, धागे वाली मिश्री, तो ये धागे वाली मिश्री भी कभी कभी काम में आ जाती है, तो मैंने एक पैकेट मंगा लिया था धागे वाली मिश्री का भी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है, तो यहाँ पे अभी धूप लग गई थी तो मैं सारी सब्जियाँ बाहर लेके आ गई हूँ। यहाँ पे पालक, राई, मैंने कहा इनको अब मैं अच्छे से छांट लेती हूँ, क्योंकि कीड़े वगैरह भी होते हैं राई में, तो मैं एक एक पत्ता करके छांट रही हूँ यहाँ पे। तो मैं अब सारी सब्जियाँ ही छांट लूँगी यहाँ पे, और अभी धूप भी बढ़िया सी निकली हुई थी तो मैंने सारी सब्जियाँ मैं बाहर लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ अब अच्छे से छांट के रख दूँगी, और साथ साथ मैं यहाँ पे धूप भी सेक रही हूँ और सब्जियाँ भी मेरी अच्छे से छंट जाएगी, क्योंकि अब थोड़ी देर ही यहाँ पे धूप रहती है, उसके बाद तो धूप चली जाएगी, 2-2.5 बजे तक ही धूप रहती है बस, इतना है। दिसंबर जनवरी में काफ़ी ठंडा रहता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, तो इसलिए मैं थोड़ी देर धूप में भी बैठ रखी हूँ, और साथ साथ यहाँ पर मैंने कहा सब्जी छाँटने का काम भी हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब सारी सब्जियां यहाँ पे छांट कर रख दी है। और तो चलिए मैं अब वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।